सो हेलो गाइस, तो ये वीडियो मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो पहला पार्ट ये होगा कि डॉग को नहलाने के पहले क्या करना चाहिए, ओके। दूसरा होगा नहलाते कैसे, वो भी मैं आपको पूरे गाइड के साथ बताऊँगा, इसको नहला के बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद नहलाने के बाद क्या करें, ये तीन चीज़ मैं आपको अभी बताऊँगा। तो चलिए गाइस शुरू करते। तो सबसे पहली चीज़ ये है, नहलाने से पहले आप इसको वॉक पर ले कर आए, ठीक है। वॉक से क्या होता है, इसको जो भी पी करना है पू करना है वो पहले ही कर देगा, आपको नहाने के बाद लेके जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि डॉग थका हुआ रहेगा, तो आपको डॉग अगर एग्रेसिव है या नहाना उसको पसंद नहीं है, बहुत मस्ती करता है नहाते वक्त, तो उसका वो बिहेवियर थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि फिज़िकली वो टायर्ड हो चुका है, ठीक है। ओके गाइस, तो चलो अभी देखते हैं कि नहलाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बेसिक सी चीज़ क्या क्या लगती है। सो हेलो गाइस, तो ये है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ अपने को लगने वाली है। पहला अपने को लगेगा वो है हेयर ड्रायर, एक ब्रश और एक बाल निकालने वाला ब्रश, एक शैम्पू जो टिक एंड फ्ली कंट्रोल का है, जिससे मतलब जो आपके डॉग पे जो कीड़े हैं वो निकल सकते हैं। ये जो है ये ऑयल बेस्ड है, ये आपके डॉग का फर काफ़ी अच्छा करेंगे, ठीक है। इसमें जोजोबा ऑयल है, एलोवेरा ऑयल है, बहुत सारे इसमें ऑयल्स के हैं, तो ये ऑयल बेस्ड शैम्पू है, ये आपको कहीं पर भी रिटेल स्टोर पर या फिर ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो गाइस नहलाने से पहले कभी भी डॉग को आप अच्छे से कोम कीजिए। कोम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो भी नॉट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो आपको नहलाते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, हर एक बाल साफ़ हो सकता है काफ़ी अच्छे से कम एफर्ट्स में। तो ये है, अगर आपका डॉग एग्रेसिव है, आपको कोम करने नहीं देता है, तो आप उसको चू स्टिक दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है, ये कैल्शियम स्टिक है, ठीक है। तो ये आपको कहीं पर भी मार्केट में मिल जाएंगे, आप इसका भी लिंक में चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं अभी डायरेक्ट बाथरूम में कि इसको नहलाते कैसे, ओके चलो लेट्स गो। सो गाइस मैं और एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया कि कोई भी डॉग हो आपका, ज़्यादा फर वाला हो, छोटा हो या लार्ज ब्रीड हो, उसके लिए हार्नेस तो मिलता ही है। तो नहलाते वक्त आप हार्नेस यूज़ करें और उसका एक अलग बेल्ट यूज़ करें, ठीक है। तो दो चीज़ को आप हमेशा अलग रखें, जिसको आप नहलाने के लिए ही रखना और कोई चीज़ के लिए इसको बाहर जाने के लिए यूज़ मत करना। तो चलो अभी सीधा जंप मारते हैं अपने बाथरूम में, वहाँ पे बताऊँगा आपको क्या करना है। और हाँ गाइस, नहाने के पहले बाहर एक ऐसा एक टॉवल रख दो, क्योंकि डॉग्स को पसंद है बाहर आके अपना फेस रब करना, ओके। तो गाइस हो सके तो आप एक एप्रन पहनो, तो आपके कपड़े ज़्यादा गीले नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखना कि एप्रन ज़रूर पहनना, ओके। आपके जो हाथ है, जो फोरम है, उसके आप पानी डाल के देख सकते हैं, अगर आपको चटका नहीं बैठ रहा है तो आप ये परफेक्ट पानी है, क्योंकि डॉग को वार्म वाटर ही लगता है, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग अभी बाथरूम में आ चुके हैं। पहले हम लोग उसके पैर साफ करेंगे, जो पॉज होते हैं वो हम लोग इसके साफ करेंगे, तो इनको धीरे धीरे कम्फर्ट हो जाता है। डायरेक्टली बॉडी के ऊपर पानी नहीं डालना है, क्योंकि जब आप भी नहाते होंगे तो डायरेक्टली तो बाद भी पूरा ऊपर नहीं डालते रहोगे, धीरे धीरे पैर पे फिर बॉडी पे लेते रहोगे। मैं तो वही करता हूँ गाइस, डायरेक्टली तो मैं नहीं जंप मारता, तो आपको भी डॉग के साथ भी वही चीज़ करनी है, धीरे धीरे इनके पास पानी डालना है, देखना है कि कैसे रिएक्ट करते हैं, इनको अच्छे से बात करो इनके साथ, इनका नाम लो, जैसे कि अभी इसका नाम ट्रफल है, तो ट्रफल गुड बॉय, यस गुड बॉय, यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ टोन इन हिंदी, इंग्लिश, मराठी, एनी टोन इन एनी लैंग्वेज, बट सेम टोन होना चाहिए। तो ये चीज़ आप इनके साथ कीजिए। और जो साफ़ करने के इसके जो जगह है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह ये है कि पेट के नीचे की जगह, इनके पॉज, इनकी टेल, ओके, जो पॉटी करते, सुसू करते, वो सब एरिया काफ़ी अच्छे से साफ़ करना है आपको। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आपका जैसा बच्चा होगा तो आप भी वही करोगे, तो ये बच्चा ही है, ठीक है। तो कोई शर्म की बात इसमें है नहीं, ठीक है। तो जिनको सुन के हंसी आती होगी वो हंसते रहे, बट ये अवेयर करना मेरा काम है, ओके। तो अब वो इसमें कर रहा हूँ मैं, तो ये जो है उनके पॉज काफ़ी गंदे हो जाते हैं बारिश के सीज़न में, ठीक है गाइस। आपको यहाँ पे मैं और एक टिप दूंगा कि बहुत सारे लोग बारिश के सीज़न में बार बार बाहर जाना पड़ता है, तो हफ्ते में 3 बार 4 बार या कोई कोई लोग शायद डेली भी नहलाते होंगे, तो ऐसा ना कीजिए, मैक्स टू मैक्स हफ्ते में एक ही बार नहलाइए, ये मैं रेफ़र करूँगा, बाकी लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। बिकॉज ज़्यादा करने की वजह से क्या होता है, उनके बॉडी में से एक ऑयल निकलता है, ठीक है, जो उनके फर पर होता है, वो आप बार बार नहलाने की वजह से वो बॉडी पे रहेगा नहीं, वो निकलते जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे उसकी वजह से उसका साइड इफ़ेक्ट ये हो जाएगा कि जो स्किन का शाइन है वो नहीं रहेगा, ठीक है, जो फर का शाइन है, माय मिस्टेक, फर का जो शाइन है वो नहीं रहेगा। उसके अलावा
टिक्स विक्स है, ठीक है, उनका असर आपके बॉडी पे, पेट के बॉडी पे जल्दी होगा, अलग तरीके के स्किन इरिटेशंस होंगे उनको, क्योंकि ये जो ऑयल रहता है ये इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो उनके बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको बार बार आप निकालोगे तो समझ सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी, और एक चीज़, फेस पे डायरेक्टली पानी नहीं डालना है आपको, पहले उनकी बॉडी के लिए करनी है, बॉडी को शैम्पू लगाना है, फिर धोना है, फिर धीरे धीरे उनके कान कवर करके आगे मुंह के ऊपर धीरे धीरे पानी डालना है, शैम्पू करना है, ठीक है, ऐसे ही आपको इनको नहलाना है। आप चाहो तो ये पूरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है, मैं उसको थोड़ा आगे जाके फास्ट फॉरवर्ड किया है आपके लिए ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो आप ये वीडियो देखिए। शैम्पू आप डायरेक्टली बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं या तो आप सीधा आपके हाथ में शैम्पू लीजिए और बॉडी पे रब कीजिए, ट्राई कीजिए कि उसको उल्टा घुमाएं, हाथ को हमेशा उल्टा घुमाएं, जिसके वजह से जो स्किन पे जो गंदगी गई है या स्किन पे अगर टिक्स वगैरह है तो वो निकल आते हैं, ठीक है। सिर्फ ऊपर ऊपर रब ना कीजिए, इसके लिए एक और एक टूल भी आता है, हैंड ग्लव स्क्रब करके, ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी रिकमेंडेड है, अगर जर्मन शेफर्ड है, साइबेरियन हस्की है तो उनके लिए काफ़ी रिकमेंडेड है ये चीज़, तो आप वो चीज़ प्लीज़ डाउनलोड करें, ऑर्डर करें आपके घर पे और वो चीज़ यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे का पार्ट, जैसे मैंने आपको बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सब पॉज वगैरह इसका साफ करना, वो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन लोग गाइज आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, खुद से नहीं कर सकते बिल्लियों जैसा, तो आपका फ़र्ज बनता है कि इनको अच्छे से अच्छे आपकी जो केयर है वो दें। एक एक बाल आपको साफ करना है। बहुत सारे जन क्या करते हैं कि डॉग बाथ जो देते हैं बंदे लोग जो प्रोफेशनल है उनको बुलाते हैं, वो भी अच्छे से साफ करते हैं, मैं किसी को पॉइंट नहीं करूँगा, बट डॉग बाथ और फीडिंग एंड डॉग वॉक ये ओनर को ही करना चाहिए गाइस, क्योंकि ये कैसा है, ये बॉन्ड क्रिएट करते हैं आपके और आपके पपी में या आपके और आपके डॉग में, तो अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपका बॉन्डिंग अच्छा होगा, डॉग आपका सुनेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी आप आगे वीडियो देखिए कैसे मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, ओके, कहाँ पे साबुन लगा रहा हूँ, कहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, वो आप पूरा देख लीजिए वीडियो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको सुखाना कैसे है, आप चाहे तो और 50 सेकेंड 20 सेकेंड वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, या तो देखना है इन डिटेल तो आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस, तो चलो। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको आपके डॉग को कमांड देना है सिट और स्टे, उसके बाद धीरे धीरे से आपके हाथ पे पानी लेके गीला हाथ करके साइड साइड से आप इसके जो जॉ लाइन है वहाँ के जो बाल है वो आप गीले कीजिए, धीरे धीरे करना है। आपको ध्यान रखना है कि कान के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ओके, कान के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, आपको ऊपर ऊपर से ही पानी लगाना है, ये मत समझे कि अच्छे से साफ नहीं होगा, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, कैसे मैं इसको अच्छे से साफ़ करता हूँ। आँख में और कान में और नाक में इनके पानी नहीं जाना चाहिए, यही रीज़न है जो ओनर अच्छे से नहीं करते हैं, जो फिर उनके डॉग एग्रेसिव बन जाते हैं,
और उन लोग डॉग को ब्लेम करते हैं, तो डॉग को ब्लेम नहीं करना है। कान के नीचे की भी जगह होती है जो आपको साफ़ करनी है, कान के अंदर बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो मैं थोड़ा भी कान के अंदर हाथ नहीं डाल रहा हूँ। और गाइज इनके जो आँख होती है, ठीक है, आँख के यहाँ पे स्पेशली शिट्ज़ू, ल्हासा, साइबेरियन हस्की, इंडियन स्पिट्स, पोमेरियन, बाकी भी जो टेरियर ब्रीड्स है, ठीक है, यॉर्कशायर टेरियर है, और बाकी सब जो डबल कोटेड अपना चिवाहुआ है, ठीक है, तो इनके आँख के यहाँ पे अलग सा एक आँख की गंदगी होती है जो नॉर्मली आप नहीं निकाल सकते, वो निकालने नहीं देते। तो ऐसे टाइम पे जैसे मैंने कोम्ब यहाँ पे लिया है, इनके बाल आपको गीले करने हैं, अच्छे से गीले करने हैं सोप लगाने के बाद। यहाँ पे मैं ये सोप यूज़ करना चाहता था, बट फिर जो ओनर है उन्होंने मुझे कहा कि ये यूज़ ना करें क्योंकि उसके मुँह पर भी टिक्स का कभी कभी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हिमालय का प्रोडक्ट ले लिया वापस, ओके, ठीक है। तो ये है हिमालय का प्रोडक्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके ऊपर जैसा कि मैंने बोला लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है फोरहेड से, ये इनडायरेक्टली उनका एक मसाज भी हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे आना है उनके आगे के फेस पे, वो जो आपके यहाँ पे जो गंदगी है वहाँ पे भी आपको धीरे 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 साफ़ करना है, उसको नीचे खींचना है, ओके। ध्यान रखना आपको हाथ जो है वो आँख में ना जाए उनके, जो काफ़ी डेलिकेट होते हैं। वैसे इतना प्रॉब्लम तो कुछ होता नहीं है, ये शैम्पूज ऐसे ही होते हैं जो उनके मुंह में जाए थोड़े से तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, आँख में जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बट क्यों रिस्क ले, ठीक है, सेफ़ भी है बट क्यों रिस्क ले। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने और शैम्पू लिया। अब इनके ईयर कैसे साफ़ करने, आप देख सकते हो ऊपर पकड़ के धीरे धीरे से इसको रब करना है आपको, ठीक है, डायरेक्टली कपा का इसको साफ़ नहीं करना है, अच्छे से इसको साफ़ करना है, ठीक है, नीचे से वहाँ ऊपर से उल्टा आपको इसको बाल को घुमाओ, ध्यान रखो कि इसके आँख में ना जाए, ठीक है। इसी तरह से आपको पूरा इनको साफ़ करना है। आप चाहे तो वीडियो आगे जैसा कि मैंने बोला फॉरवर्ड कर सकते हो, या तो देख सकते हो आप इसको मैं कैसे साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बात करते रहना है कंटिन्यूसली गाइस, कंटिन्यूसली अगर आप बात करोगे तो ही आपका डॉग शांत रहेगा, ठीक है। आपको जो वाइब्स शेयर करने हैं वो काफ़ी अच्छे शेयर करने हैं, जैसे कि काम एंड एकदम शांत, हाँ एकदम ऐसे कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको, ये हिसाब से आपको उसके वाइब्स शेयर करने हैं तो डॉग शांत रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके आँख से गंदगी निकाल रहा हूँ, देख सकते हो आप, कोम से धीरे धीरे से आपको उसके आँख की गंदगी नीचे खींचनी है, ओके, और फिर धीरे से आपको हाथ से ही वो आगे आगे करके आपको निकालना है। तो जैसे मुँह पर अगर सोप है तो डॉग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, डॉग एग्रेसिव नहीं बनते हैं, ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर कोई एग्रेसिव डॉग है तो उसको अगर आपको टिप्स चाहिए कि कैसे उनको नहलाते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं नीचे नंबर छोड़ दिया है मेरा, आपको फ्री में गाइड कर दूंगा कैसे करना है। तो ये जो गंदगी है आपकी, ये नहलाते वक्त ही आप निकालो तो काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। ये ऐसे इसलिए गंदगी पूरी निकल जाती है, तो जब आप इसको पानी से पूरा नहलाओगे तब ये कम्प्लीटली निकल जाएगी। अब गाइस पानी भी जब डाल रहे हो तो कान को आपको शील्ड बनाना है, कान को पूरा ढकना है तो ही पानी डालना है, डायरेक्टली पानी नहीं डालना, जैसे कि पानी लेके आप डाल नहीं देना है उसके मुंह पे, धीरे 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 उनके मुंह पे पानी डालना है, साइड साइड से आप पानी डाल सकते हो और फिर इसको आप पूरी तरीके से क्लीन कर सकते हो। ध्यान रखना है जब शेक करते हैं तब काफ़ी पानी और सोप उड़ता है, तो इसलिए मैं एप्रन यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसके नेक से स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक पर मैं इसके पानी डाल रहा हूँ, यहाँ पर बाल इसके जो नीचे से ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इसका जो लगा हुआ जो पूरा फोम है वो अच्छे से निकल आता है, ठीक है। अच्छे से बाल खोल के देखे ठीक है या नहीं है, क्योंकि आप जब नहलाते हो इनके पूरे बाल इनके शरीर को चिपटक जाते हैं, जिसकी वजह से प्लीज को देखना काफ़ी आसानी होती है। तो ध्यान रखिए कहाँ पे टिक्स है कहाँ पे नहीं है, सिर्फ नहलाने का काम मत कीजिए, अच्छे से देखिए क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे कि मैंने बोला। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने इसके दोनों कान पकड़ के फिर मैंने इसके ऊपर पानी डालने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, डॉग के हिसाब से आपको करना है, ओके, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है आपको, धीरे 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 करके, जैसे वहाँ पे फेस करे तो ये साइड का पूछ लीजिए पानी डाल लीजिए, अगर वहाँ पे फेस करे तो वो साइड का कर लीजिए, ठीक है, इनके हिसाब से चलिए। अगर आप फेस आपको अच्छे से क्लीन करना है तो ठीक है, अपने हिसाब से उनको मत चलाओ, स्पेशली बात के टाइम पर चेक करते हैं तो विलन गुड़ काफ़ी सारा सोप खुद ही निकल जाता है, ओके, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है, ओके।
यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कितना शांत है, ठीक है, अग्रेसिव ये भी डॉग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको मैंने ट्रेन किया है। ओबीडियंस ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, सिट डाउन स्टे, ओके, ये सब चीज़ गाइस आप यूट्यूब से देख के सीखते हो, सब सही है, बट विदाउट फूड आपका डॉग सीखने के लिए आपको डॉग ट्रेनर को बुलाना ही पड़ता है, ओके। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं डॉग ट्रेनिंग के लिए, बुला सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अगेन डॉग बात की, तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको पानी डालना है, और फिर एक बार पूरा फेस क्लीन हो जाए फिर आप धीरे धीरे अपना पानी डालने का स्पीड बढ़ा सकते हो, ओके गाइस। तो अभी हम लोग डायरेक्टली जाएंगे, देखेंगे इसको सुखाते कैसे। चलो गाइस जाते हैं अपने स्टेप नंबर 3 के पास, लेट्स गो। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये वाइट टॉवल आपको बाहर रखना है। टॉवल टर्किश हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डॉग्स अपना आधा काम तो खुद ही कर देते हैं, कि पहले तो ये अपने ईयर क्लीन करते हैं रब कर करके फेस पूरा। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो ये पूरे ज़मीन पे घिसते रहेंगे और अपना जो टाइल्स होता है वो पानी ऑब्जॉर्ब तो बिल्कुल नहीं करता है। आपको ये टर्किश टॉवल पकड़ना है, और हार्नेस इसलिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ, क्योंकि अभी अगर इसका बॉडी का कॉलर अगर होता गले का, तो ये इतने अच्छे से नहीं कर पाता, मैं इसको होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है। एक बार वो कर जाए फिर काम हो जाए धीरे धीरे, तो पूरा बॉडी साफ, अच्छा आराम से वो साफ़ करने देगा, एग्रेसिव नहीं बनेगा। उसके हिसाब से भी जाना है आपको, आपके हिसाब से भी लेना है, ये गिव एंड टेक रिलेशन होता है गाइस दोनों तरफ से। और चीज़ मैं यहाँ पे टिप ये दूंगा कि बाहर का फ़ैन एसी अगर जो भी चालू रहे तो उसको प्लीज़ बंद कीजिए, उनको ठंडी लगती है, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए कि कैसे वो जहाँ पे जा रहा है मैं वो साइड से उसका ईयर क्लीन कर रहा हूँ, अगर ये साइड से आ रहा है तो ये साइड पे कर रहा हूँ, ओके। तो ये डॉग्स का फेवरेट काम होता है कि ईयर क्लीन करना, तो यहाँ पे कुछ भी मैं हार्मफुल चीज़ नहीं कर रहा हूँ। अब देख सकते हो डॉग फ्री है, वो चाहे तो जा सकता है और नहीं जा रहा, ओके। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसका मुझ पर ट्रस्ट है, इसलिए ये यहाँ पर रुका हुआ है, देख सकते हो। तो गाइज़ ये जो है ये डॉग अभी प्रोटेस्ट कर रहा है, तो इसके लिए मैंने इसके कॉलर यूज़ किया है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने कॉलर इसलिए यूज़ किया ताकि ये बॉडी बेल्ट से काफ़ी दूर जा सकता है, और यहाँ पे काटने के चांसेस डॉग के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ड्रायर को आपको जो मोड पे रखना है वो होता है, 3 मोड होते हैं। जो सबसे टॉप वाला होता है वो गर्म हवा काफ़ी ज़ोर से छोड़ता है, सेकेंड में गर्म हवा धीरे से छोड़ता है, और थर्ड मोड जो इसका होता है वो होता है सिर्फ हवा छोड़ता है, ओके। तो ड्रायर, ब्लो ड्रायर का जो मोड है वो आपको यहाँ पे ऑन करना है। आपको ध्यान रखना है कि इनका नोज़ आप कवर करें, क्योंकि इनके नोज़ पे हवा लगती है तो ये बहुत रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसको काम डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको काफ़ी काम रहना है इस वक्त, आपको हाइपर नहीं होना है, बिकॉज डॉग्स आपका मिरर होता है, तो जो एनर्जी के आप ओनर रहोगे वो एनर्जी का आपका डॉग रहेगा, सिंपल। आप फियरफुल हो तो आपका डॉग फियरफुल नहीं होगा, फियरफुल आप हो इसलिए वो प्रोटेक्टिव हो जाएगा। आप काम हो तो आपका डॉग काम हो जाएगा, आप हाइपर एक्टिव हो तो आपका डॉग ओवर हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको पकड़ के धीरे धीरे से इसको सुखाना है। ध्यान रखना है कि ड्रायर का और जो डॉग का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा लंबा हो, सूखने में इससे टाइम लगता है, आई एग्री। जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको सूखने में कम से कम 9-10 मिनट लगे, बट ठीक है, उतना तो आप पेशेंस रख ही सकते हो, क्योंकि डॉग पालना कोई खाने का काम तो है नहीं, तो आप फटाक से 5-10 मिनट में कर दें, ओके। तो यहाँ पे 10 से 20 मिनट भी कभी कभी लग जाते हैं, तो यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, या तो आप और 20 सेकंड फॉरवर्ड कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कैसे मैं इसको धीरे धीरे से कोम कर रहा हूँ, कि कोम करने से क्या होता है, हर बाल अलग होता है, जल्दी सूखता है आपका डॉग। तो ध्यान रखें कि उनको खेलने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर दें, जैसे कि आप उनको कोम दे सकते हो खेलने के लिए, या जो हारनेस है वहाँ पर मैं उसको बाद में वो दे सकता हूँ, ये कोई भी चीज़ है आप उसको दे सकते हो यहाँ पे। और आपको नो कमांड का काफ़ी यूज़ करना है, अगर वो आपको काटने आ रहा है या फिर ब्लो ड्रायर के पास वो बार बार जा रहा है, तो आप उसको नो कमांड दे सकते हो। इसके लिए भी आपका डॉग ओबीडियंस ट्रेंड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ट्रेनर, टॉय ब्रीड हो या कोई भी एग्रेसिव ब्रीड हो गाइस, ये मिथ है कि टॉय ब्रीड्स को ट्रेनिंग नहीं लगती, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आज तक मुझे जो डॉग काटे हैं वो 2 पोमेरियन हैं, क्योंकि टॉय ब्रीड्स को क्या करते हैं, ओनर काफ़ी लाड़ प्यार में रखते हैं, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि उसको मार के रखना है, बट एक टेक्निक होता है एक डॉग पालने का, इसके ऊपर मैं कभी अलग एक वीडियो बना लूँगा फॉर श्योर। अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि डॉग साइकोलॉजी के ऊपर आप एक वीडियो अपलोड कीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो जो भी आपकी सजेशंस है कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइए ये वीडियो के बारे में, और कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा मेरी तरफ से, और वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं आपको बताऊँ।
तो वीडियो आप पूरा देखिए कि कैसे मैं इसको धीरे धीरे नहलाता हूँ, सॉरी कैसे मैं धीरे धीरे इसको सुखाता हूँ, हर एक पार्ट को इसके धीरे धीरे मैं कैसे सुखा रहा हूँ वो आप देख सकते हो यहाँ पे। और गाइस प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो यूट्यूब पे है नहीं, काफ़ी सिंपल एंड शॉर्ट वीडियो है जो फ़ोटोज़ के रूप इसमें है या बाहर के है, फॉरेंस के है, यहाँ के ज़्यादा वीडियोज़ है नहीं जो इतने डिटेल में आपको समझाए। ओके, तो ये वीडियो है जो आप नॉर्मली आप देख के भी अपने डॉग पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मैं आगे भी थोड़ा और बोलना चाहता था बट मेरे पीछे बैंड बज रहा है तो मैं ज़्यादा आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा गाइज। चलो थैंक्स अगेन, सी यू सून, आपका फ्रेंड राहुल डॉग ट्रेनर साइनिंग आउट।
तो गाइस ये जो पोजीशन है इसको स्टन पोजीशन बोलते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ। पीछे के दो पैर आपको हाथ में पकड़ने हैं और आगे के दो पैर के बीच में आपको पकड़ने हैं। तो यहाँ से आप नीचे का पोर्शन काफ़ी अच्छे से साफ कर सकता हूँ। डिस्टेंस यहाँ पे कम हो गया एक्चुअली, इसलिए डॉग ने यहाँ पे बार्क किया, नहीं तो डॉग बार्क नहीं करते ये पोजीशन में। ओके सो यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो ये पूरी तरीके से सूख गया है गाइस। थोड़ा भी गीला आपका डॉग नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो कितना ये साफ सुथरा सुंदर और फ्लफी फ्लफी लग रहा है। ओके तो ये पूरी तरीके से अभी ड्राई हो चुका है, आप इसको अच्छे से ड्राई कीजिए, थोड़ा भी पार्ट इसका गीला नहीं रहना चाहिए। ओके गाइस सो लाइक कीजिए प्लीज़, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको वीडियो कैसे लगा, हेल्पफुल लगा या कुछ सजेशन है तो दे सकते हैं। साइनिंग आउट योर राहुल डॉग ट्रेनर, सी यू सून गाइस।